नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, ये जो चुनाव चिन्ह को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो आज क्लियर हो गई है। शिवसेना में विवाद के बीच आज एकनाथ शिंदे को भी चुनाव आयोग से नया सिंबल मिल गया है। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ दो तलवार और नया चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया है और इस सिंबल के साथ शिंदे गुट आगामी अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी और शिंदे गुट को सोमवार को ही बाला साहेब बांची नाम मिल चुका है। तो अब जब चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं तो एक दूसरे पे कमेंटबाजी भी जाहिर सी बात होगी। चुनाव आयोग से शिंदे गुट को शिवसेना बाला साहेब बांची नाम मिलने के बाद आदित्य ठाकरे ने एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि बाला साहेब तो देश में बहुत सारे हैं। दोस्तों गौर करिए, उन्होंने क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने कि बाला साहेब तो देश में बहुत सारे हैं पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे देश में एक ही है जो सबको जोड़ता है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि शिवसेना के 40 गद्दार हमसे हमारा नाम और हिंदुत्व की पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कितना गहरा कमेंट किया है उन्होंने। और चुनाव आयोग ने सोमवार को उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल निशान दिया था। 8 अक्टूबर को आयोग ने दोनों गुट के बीच की लड़ाई को देखते हुए तीर कमान का सिंबल फ्रीज कर दिया था। आयोग ने फैसले में ये कहा था कि शिवसेना के मूल नाम पर फैसला आने तक कोई भी गुट पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने ये जानकारी भी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान विकल्प के तौर पर दिए थे। निशान में त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल थे। वहीं पार्टी के नाम शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब प्रबोधन ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दिए गए थे। वहीं शिंदे ने भी त्रिशूल, उगता सूरज और गधा चुनाव चिन्ह मांगे थे। उन्हें आयोग ने इन तीनों में से कोई भी सिंबल नहीं दिया। वजह कि उगता सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है, वहीं त्रिशूल और गधा को धार्मिक चिन्ह बताते हुए आयोग ने देने से इनकार कर दिया। अच्छा, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, 14 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और 14 अक्टूबर बोले तो 2 दिन के बाद और 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे और उद्धव ठाकरे गुट उपचुनाव लड़ रहा है और शिंदे गुट की सहयोगी भाजपा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों, एक नज़र हमको ये भी देखना चाहिए कि दरअसल ये लड़ाई कब से चल रही है, क्योंकि ये बहुत लंबा सा इशू हो गया है। 23 जून को शिवसेना ने ये दावा किया था कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन है और एक लेटर जारी किया। 25 जून को डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजते हैं और बागी सुप्रीम कोर्ट पर पहुँचते हैं। 26 जून को सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में और महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा और बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिलती है। इस तरीके से ये मामला चलते चलते सितंबर, अक्टूबर, 8 अक्टूबर तक चलता रहा। उद्धव शिंदे गुट के बीच में लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना को सिंबल तीर कमान को फ्रीज कर दिया और उसके बाद आज अब चुनाव चिन्ह को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है और अब देखेंगे कि ये आगे क्या करते हैं, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होता तब तक चुनाव चिन्ह को लेकर के, पार्टी के नाम को लेकर के आपस में इनका वाक युद्ध जो है वो चलता ही रहेगा। जैसा कि आज आदित्य ठाकरे ने काफ़ी बड़ा कमेंट किया है। तो दोस्तों, ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इस पर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।